अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं बिल्कुल टाइम पे उठ गई हूँ, फजर टाइम उठ गई हूँ, उठ के नमाज वगैरह पढ़ ली है और निकल गई हूँ बाहर वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे थोड़ी देर करें चाहे ज़्यादा देर करें, लेकिन ज़रूर करें। वॉक का ताल्लुक सिर्फ पतले होने से, स्मार्ट होने से नहीं है, आपके जहनी सुकून से भी है और आप एकदम से एनर्जेटिक सा फील करते हो। आपका माइंड ऐसे रिलैक्स हो जाता है जब आप वॉक करके हटते हो। सुबह सुबह मौसम भी इतना प्यारा होता है, हल्की हल्की हवा चल रही होती है और बहुत ही खूबसूरत मौसम था आज। तो थोड़ी तेज़ ही हवा चल रही थी, हल्की हल्की, जिस तरह की पहले चल रही होती है उस तरह की नहीं थी, थोड़ी सी तेज़ थी, लेकिन बहुत मज़े का मौसम था। कल व्लॉग अपलोड करने के बाद आपसे मैंने शेयर किया था कि वकास अपने काम से जा रहे हैं, मैं और शमीर अपने काम से, तो हम लोग अलग-अलग चले गए। वकास पहले आ गए थे, मैं और शमीर बाद में, और हम इतना थक गए थे आके, बस समझ लें डिनर किया, नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी सी वॉक की, चाय पी और सो गए और सुबह फजर टाइम उठे। मैं अभी तक स्टिल इस तरह नींद नींद में हूँ, मैं सो के उठ भी गई हूँ लेकिन मेरा दिमाग, मेरा दिल ऐसे भुजा भुजा है। आज मैं एक्टिव नहीं हूँ, फ्रेश नहीं हूँ। खैर, मेरा बेटा तो काफ़ी एक्टिव है, ऐसे भागता हुआ जा रहा है ना, बच्चे वैसे भी कम थकते हैं। एक तो मैं वैसे लेजी लेजी थी, एक ऊपर से यहाँ पे जो फ्लैग्स ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान का फ्लैग देख के मेरा दिल और ऐसे बुझ ही गया, ऐसे खामोश सा हो गया। पता नहीं मुझे कैसा एकदम से फील हुआ, हालांकि मैं इस रास्ते से रोज़ गुजरती हूँ, लेकिन रोज़ शायद एक्टिव होती हूँ तो इतना फील नहीं होता। आज मुझे अजीब सा ही कुछ ना फील हुआ, मुझे पाकिस्तान ऐसे एकदम से याद आया और मेरा दिल पकड़ा गया एकदम से पाकिस्तान का फ्लैग देख के। अल्लाह पाक हमारी मुल्क के लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की के रास्तों पे ले जाए। मैंने पहले सोचा था आज मैं आप लोगों से बातें नहीं करूँगी, आज मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन कुछ कमेंट्स इस तरह थे के थे, कुछ बातें इस तरह की थी कि वो मुझसे किए बगैर रहा भी नहीं जा रहा था। तबीयत तो मेरी ऐसे लेजी लेजी थी, लेकिन मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगी। देखें क्या ज़रूरी होता है कि आप डांस करें, आप नाचें गाएँ या इस तरह के काम करें और मेकअप करें, मेकअप की वीडियोस डालें, तो तभी आप पॉपुलर हो सकते हो या आपका चैनल ग्रोथ कर सकता है या आप फेमस हो सकते हैं। ये कमेंट पढ़ें। अच्छा, वैसे मुझे ये ऊपर नाम शो करने का या इस तरह करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली, उसमें भी अलग-अलग नाम नहीं शो किए थे, लेकिन आज करना मेरी मजबूरी थी। ये साइमा उस्मान हैं जिनने मुझे कहा है फेस नहीं दिखाएंगी तो चैनल ग्रो नहीं होगा। सिस्ट्रोलॉजी को देखें, वो डांस करते हैं, मेकअप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कितनी जल्दी ग्रो कर गए हैं। देखें, मैं एक बात अच्छे तरीके से क्लियर कर लूँ, मुझे ना पॉपुलर होने का या फेमस होने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। वो शौक होता तो मैं डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे बात करती, मैं कुछ और तरीके से आपके सामने अपने आप को लाती, या इस चैनल का कॉन्टेंट एटलीस्ट कुछ और होता, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपने लिए बनाती थी, फिर आप लोगों ने पसंद करना शुरू किया, आहिस्ता 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 मैंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, जिनने मुझे प्यार करना है, जिनने मेरा चैनल देखना है, वो मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। डांस शांस नाचना गाना मुझे आता नहीं है, अगर आता होता तो शायद मैं तब भी आप लोगों को ना करके दिखाती, ये मेरा स्टाइल ही नहीं है। तो जो मेरा स्टाइल है मैं वही रियल जो हूँ, जैसी हूँ वैसी आपके सामने हूँ, ना ही कोई मेरे पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियाँ, कारें, ना ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस, ना बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं मेरे, जैसी भी हूँ जो भी हूँ आपके सामने हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो मुझे ये कमेंट ना बहुत इसने मुझे तंग किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। सिर्फ व्यूज़ की खातिर या फेमस पॉपुलर या इस टाइप के किसी भी चार्म की खातिर मैं अपनी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और बड़े ही बात से एस्ट्रोलॉजी की, तो वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, हर किसी का अपना अपना तरीका है। आपकी इस बारे में क्या राय है काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद एक और कमेंट भी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उससे पहले ये देखें क्रैब, ये केकड़ा, ये हम लोगों ने देखा लाइव और ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। ये वाइट कलर का था, देखिए किस तरह ये मिट्टी में, रेत में छुपा हुआ है, इसके ऊपर से आप गुजर जाओ तो पता भी ना चले। ये ऐसे ही लग रहा था जिस तरह सी शेल है, लेकिन ये बेसिकली सी शेल नहीं था, ये केकड़ा था जिसके अंदर छुपा हुआ था। क्रैब्स नहीं थे छोटे छोटे, ये बेबी क्रैब था तो बहुत क्यूट, लेकिन अजीब सी इसको देख के ना वहशत सी आती है, प्यारा नहीं लगता। यूजली बेबी किसी भी चीज़ के हो तो प्यारे ही लगते हैं, लेकिन ये क्रैब ज़रा अजीब से लगते हैं। ये देखिएगा अभी बाहर आएगा, अजीब सा ही लगेगा। हाय, ये देखिए कितना ये खौफनाक है ना, एकदम से ये बाहर निकला और फिर छुप गया। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और कमेंट था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये कमेंट है इरम बीबी का, बच्चे और होने चाहिए, ये क्या बात है, तीन तो हो, एक बच्चा खेले किसके साथ, सुख दुख कहाँ बांटेगा। तो देखें मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे एक ही होने चाहिए, आपका जितना दिल करे आपके बच्चे हो जाएं कोई मसले वाली बात नहीं है, आप 10 11 12 7 8 9 जितने आपका दिल करे आप बच्चे अल्लाह आपको दे, लेकिन मैं एक के साथ अभी फ़िलहाल खुश हूँ। वैसे मैं इस पर गौर ज़रूर करूँगी, शायद इरम बीबी मेरी बहन बात सही कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात ज़रा ऐसे चुभी तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर ये पराठे, किसी ने मुझसे पूछा था आपने इतने अच्छे पराठे कैसे बनाए, तुम बहन मेरी ये फ्रोज़न पराठे हैं, ये मैंने नहीं बनाए, मैं इतने अच्छे इतने एक्सपर्ट पराठे बिल्कुल नहीं बना सकती। हाँ गोल ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके इतने प्यारे प्यारे कलर और ये सारा कुछ नहीं, मैं नहीं बना सकती। मैं एक दिन व्लॉग बनाती हूँ, अगले दिन अपलोड करती हूँ। तो जिसने मेरा क्वेश्चन आंसर्स वाला व्लॉग नहीं देखा वो मेरा व्लॉग लाजमी देख ले, आपको बहुत से आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा। और ये जो था कमेंट सिस्ट्रोलॉजी वाला, तो देखें हर कोई अपने लिए अपनी कोशिशें कर रहा है, तो अल्लाह पाक सबको कामयाब करें अपनी अपनी जगह पर, जो जो जहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहा है अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, और जिनने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा लेज़ी डे तो अभी तक चल रहा है, अभी मॉर्निंग है, नाश्ता बन चुका है, ब्रेकफास्ट रेडी है, अब हम ये ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। कल सच मैंने आके ये दाल भी बनाई थी, ये मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी, वापस आके मैंने ये दाल भी बनाई थी। देखें कितने काम होते हैं ना लेडीज़ को, बाहर के भी घर के भी। फिर ये रूम की कंडीशन देखें, साफ़ करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ना था ना, इस तरह तो नहीं आप बैठ सकते। फिर मैंने किया रूम साफ़, और ये देखें बिफ़ोर आप देख चुके हैं, और ये देखें आफ्टर, सफाई के बाद कैसे सुकून आ गया है। खैर ये मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, ये देखें कितने गंदे लग रहे हैं, मैं मुझे लगता है मैं अनकरीब गंजी हो जाऊंगी, बाल मेरे ऐसे गिर रहे हैं। कोई टोटका अजमूदा टोटका हुआ तो मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा कि मेरे बाल हेयर फॉल मेरा रुक जाए। ये पहले भी था मुझे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो रहा है। ये मैं एक ऑयल लेके आई हुई हूँ, क्या पता ये काम कर दे, इसकी मैंने तारीफ़ें तो बहुत सुनी हैं, क्या पता अगर इसने काम किया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर जिन्हें भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। फिर मैंने सफाई करने के बाद, घर के काम शाम करने के बाद लंच भी बना दिया। ये लंच है, राइस बनाए हैं, साथ में बनाए आलू मुर्गी का सालन। ये देसी फूड तकरीबन सभी का फेवरेट होता है, और मेरे बेटे का तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। ये हम पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा पकाते थे, आलू मुर्गी और साथ चावल, तो ये आज भी वही बने हैं। साथ ये दही का रायता, इसके अंदर जस्ट टोमेटोज, कुकम्बर और अनियंस हैं। लेजीनेस की इंतहा ये है कि खाना मैंने बना के भी रख दिया है, अपनी तरफ से जल्दी जल्दी बना दिया था, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बना दिया था ताकि मेरे काम ख़त्म हो जाएं और मैं फिर से सो जाऊं। तो बस यही सारा टाइम था मेरा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और जब आपकी ऐसी कंडीशन होती है, आप लेज़ी फील कर रहे हो तो ख़ुद को कैसे एक्टिव करते हो, ये भी मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराफ कास्ट व्लॉग्स।